गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मॉरल साइंस में चैप्टर नंबर 8 हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि माफ़ी शब्द जो है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, वो हमारे कितने रिलेशंस को सुधारता है ना। माफ़ी से बड़ा मतलब गिफ्ट किसी के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। द वीक कैन नेवर फॉरगिव, फॉरगिवनेस इज द एट्रीब्यूट ऑफ द स्ट्रॉन्ग, महात्मा गांधी। इसका थॉट महात्मा गांधी का है। वो क्या कह रहे हैं कि एक कमज़ोर इंसान कभी भी माफ़ नहीं कर सकता। जो माफ़ी है वो एक ताकतवर का ही काम है, यानी जिसके अंदर इतनी क्षमता है कि वो किसी की गलती को क्षमा कर सके, वही यह काम कर सकता है। एक कमज़ोर दिल वाला इंसान नहीं कर सकता, उसके अंदर तो हमेशा बदले की भावना ही रहेगी। इसके लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखिए। टू फॉरगिव एंड फॉरगेट इज़ द बेस्ट वे टू गेट ओवर सेटबैक्स और डिसअपॉइंटमेंट इन द लाइफ। माफ़ करना या भूल जाना, ये हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुसीबतें आती हैं, निराशाएं आती हैं, असफलताएं आती हैं, उनको पार करने का सबसे अच्छा तरीका है। नॉट एवरी वन इज़ एबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, इट टेक्स अ ट्रूली ग्रेट माइंड। हर कोई माफ़ नहीं कर सकता, हर कोई किसी की गलती को नहीं भूल सकता है। यह सिर्फ एक अच्छे दिमाग, जिसका माइंड बहुत अच्छा हो, बहुत बड़े दिल वाला इंसान यही काम कर सकता है। फॉरगिवनेस इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग पीपल। माफ़ी जो है वो एक महान और एक स्ट्रॉन्ग इंसान की ही विशेषता है। लाइफ इज़ मच ईजियर फॉर दोज हु फॉरगिव देन फॉर दोज हु होल्ड कंप्लेन। जो इंसान किसी को माफ़ कर देते हैं उनकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है, बजाय कि जिनके पास हमेशा शिकायतें हों। क्योंकि आपको मालूम है, शिकायतें करना यानी अपने मन में चिड़चिड़ापन लाना और अपने आप को खुद परेशान करना। इससे अगर हमने एक बार माफ़ कर दिया, हमारा माइंड रिलैक्स और हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाते हैं। इफ़ वन कैन फॉरगिव एंड मूव ऑन, ही शी कैन सेट बेटर गोल्स एंड अचीव दोज ईजीली। अगर कोई इंसान किसी को माफ़ करके और आगे बढ़ जाता है, तो वो अपनी लाइफ में अपने हमेशा सफलता प्राप्त करता है। बहुत अच्छी सी स्टोरी है, ध्यान से सुनिए। किंग विक्रम वॉज नोन टू बी अ जस्ट रूलर। अंडर हिज रेन द किंगडम ऑफ न्यायपुर बिकेम फेमस फॉर इट्स जस्टिस एंड राइटनेस। इट वुड नॉट बी राइट टू से दैट एवरी पर्सन इन हिज किंगडम वॉज हैप्पी विद द प्रोसेस दैट वर फॉलोड, बट नन कंप्लेंट दैट जस्टिस वॉज नॉट डन टू हिम और हर। एक राजा था जिसका नाम था विक्रम। वो बहुत ही अच्छा न्याय करने वाला राजा था। उसके राज्य में, उसका राज्य का नाम था न्यायपुर। उसका राज्य अपने न्याय के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। कोई भी यह नहीं कह सकता था कि उसके राज्य में कोई दुखी है या किसी को भी उसके न्याय से कोई शिकायत नहीं थी। द किंग अपार्टनली बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ प्योर जस्टिस। दिस सिस्टम वर्क्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल रिवार्ड्स, इक्वल पेनेंस, इक्वल पनिशमेंट्स। फॉर एवरी हार्म डन बाय अ पर्सन टू अनदर, द फर्स्ट पर्सन वॉज हार्म्ड इन इक्वल मेजर, एंड फॉर गुड डीड डन बाय अ पर्सन ही वॉज रिवॉर्डेड इन अ मेजर दैट वॉज जस्ट राइट फॉर द डीड। There was no forgiveness or leniency for the guilty, and there was no restraint in reward for the deserving. अब राजा का विश्वास क्या था? सही न्याय में के सिद्धांत पर ही विश्वास था उसका। उसका जो सिस्टम था वो इस बात पर काम करता था कि सबको एक जैसा ही पुरस्कार मिले, सबको एक जैसी ही सजा मिले। अगर कोई इंसान किसी को चोट पहुंचाता है तो उसे भी उतनी ही चोट पहुंचानी है, और अगर कोई इंसान किसी के साथ अच्छा करता है तो उसके बदले में उसके साथ भी उतना ही अच्छा होगा। उसके लिए कोई माफ़ी या कोई भी दया की भावना क्षमा के लिए नहीं थी। नन कुड जज द लॉ और एस्केप द पनिशमेंट बिकॉज द किंग वॉज ऑलवेज फुल्ली अवेयर दैट एवरी डिटेल ऑफ वॉट एवर बिग और स्मॉल इवेंट्स दैट हैपन्ड इन हिज टेरिटरी। In that small kingdom, the king had kept thousands of alert men to roam about on the streets and observe every bit of occurrence in great detail. These spies the eyes and ears of the king.
रिपोर्टेड प्राइसली टू मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द किंग. दिस मिनिस्टर वॉज स्पेशली डेजिग्नेटेड टू लुक आफ्टर द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द किंगडम ऑफ न्यायपुर एंड टू एंश्योर जस्टिस वॉज डन टू एवरी सिटीजन. कोई भी उस पनिशमेंट के लिए मना नहीं कर सकता था क्योंकि और ना बच सकता था वो, क्योंकि राजा इस बात के लिए हमेशा तैयार रहता था कि उसके राज्य में कोई छोटी से छोटी या बड़ी कोई घटना हो जाए उसके बारे में उसको हमेशा पता रहता था, क्योंकि उसने छोटे से राज्य में कई हजारों की संख्या में लोगों को नियुक्त कर रखा था जो गलियों गलियों में घूमते थे और छोटी से छोटी बात की जानकारी लेते थे. ये जासूस जो थे अपने उनके आँख और कान थे राजा के, जो कि एक मिनिस्टर उन्होंने राजा ने नियुक्त किया था, उस मिनिस्टर को वो जाके पूरी रिपोर्ट देते थे. और मिनिस्टर जो था वो इसी काम के लिए था कि वह वहाँ का न्याय देख सके और ये देख सके कि हर एक को सही न्याय मिल सके. मैनी पीपल फ्रॉम अदर किंगडम हु हर्ड अबाउट किंग विक्रम एंड हिज सिस्टम ऑफ जस्टिस वर सरप्राइज टू नो दैट हिज किंगडम वॉज गवर्न बाय द थ्योरी ऑफ प्योर जस्टिस एंड हैड एब्सोल्यूटली नो इनजस्टिस. बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्य में रहते थे, जिन्होंने राजा विक्रम के बारे में और उनके न्याय के बारे में सुना था, वे सब आश्चर्य करते थे कि उनके राज्य में इस तरह से सही न्याय का सिद्धांत कैसे चल सकता है कि किसी के साथ भी अन्याय न हो. वन सच पर्सन हु वॉज हैप्पीली सरप्राइज बाय द आइडिया वॉज चिंतामणि फ्रॉम द नेबरिंग किंगडम ऑफ चिंतित नगर. He wanted to come down to Nyayapur and see for himself how effectively King Vikram had implemented this system and how happy people were under his rule. अब उसके इस न्याय के बारे में सुनकर पास के ही राज्य के जो नाम था, उस राज्य का नाम था चिंतित नगर, वहाँ का एक इंसान था चिंतामणि, उसे बहुत आश्चर्य होता था. वह न्यायपुर में आकर यह देखना चाहता था कि राजा विक्रम किस तरह से इस न्याय को चलाते हैं और वहाँ के लोग उनके इस शासन से किस तरह से खुश हैं. सो चिंतामणि पेड अ विजिट टू द किंगडम ऑफ न्यायपुर. ही डिड नॉट हैव टू वेट फॉर लॉन्ग टू विटनेस द सिस्टम ऑफ प्योर जस्टिस बिकॉज एज सुन एज ही स्टेप्ड ऑन द सॉइल ऑफ न्यायपुर ही अननोइंगली harmed a man. Chintamani bumped into a man who lost his balance, fell and sustained an injury on his head. अब चिंतामणि न्यायपुर राज्य में आया. उसे उस सिस्टम को देखने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही उसने न्यायपुर की धरती पर कदम रखा, अनजाने में ही उससे एक आदमी को चोट लग गई. चिंतामणि ने उस आदमी की पीठ पर उसको एक चोट लगी, जिसके कारण उस आदमी का बैलेंस बिगड़ गया, वह नीचे गिर गया और उसके उस आदमी के सिर पर एक चोट लगी. द किंग्स स्पाइसेस इमीडिएटली रिपोर्टेड दिस टू द मिनिस्टर एंड बोथ चिंतामणि एंड विक्टिम वर समन टू द कोर्ट ऑफ किंग विक्रम. एज पार्ट ऑफ प्योर जस्टिस द विक्टिम वॉज आस्क्ड टू हिट चिंतामणि इन अ वे दैट चिंतामणि सफर्ड द सेम अमाउंट ऑफ पेन एज द विक्टम. अब राजा के जो जासूस थे उन्होंने फटाफट ही अपने मंत्री को इस बात की जानकारी दी. अब चिंतामणि और वो आदमी दोनों को ही राजा के दरबार में हाजिर होने का आदेश मिल गया. अब जो सही न्याय था उसके अकॉर्डिंग तो उस आदमी को भी यही बोला गया कि चिंतामणि ने जिस तरह से उसे मारा है उसे भी उसी तरह से उसको मारना है, जिससे कि उसे भी इतना ही दर्द हो. टू सोल्जर्स हेल्ड चिंतामणि टाइटली वाइल द विक्टिम स्वंग हिज आर्म एंड लैंडेड अ हार्ड ब्लो ऑन चिंतामणिज फेस. द किंग सेड नो दिस ब्लो वुड हैव गिवन चिंतामणि मोर पेन देन ही गेव द विक्टिम. सो चिंतामणि विल नाउ हिट द मैन अगेन टू सेटल द स्कोर. अब दो सैनिकों ने चिंतामणि को कसकर पकड़ लिया और उस आदमी ने अपना हाथ हवा में लहराते हुए एक तेज चिंतामणि के फेस चेहरे पर मारा. अब राजा ने क्या बोला, नहीं, यह जो तुमने मारा है उससे तो चिंतामणि को और बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है, इसीलिए चिंतामणि अब तुम्हें दोबारा मारेगा. यानी आदमी के सिर पर चोट लगी गलती से,
अब उसको आदमी को क्या बोला गया कि तुम चिंतामणि को उतना ही मारो जितना कि तुम्हें दर्द हुआ है। उसने उसे मारा तो अब लगा कि चिंता, ये तो इसने तो बहुत जोर से मार दिया, अब इसको चिंतामणि को ज़्यादा दर्द हुआ है। चिंतामणि ऑब्लाइज बाय स्लैपिंग द विक्टिम, बट द किंग वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। ही सेट इफ वी एडेड द फर्स्ट एक्सीडेंट एंड द स्लैप दैट चिंतामणि हैज जस्ट रजिस्टर्ड ऑन विक्टिम्स फेस द टोटल पेन विल बी मोर देन व्हाट द विक्टिम गेव चिंतामणि अ लिटिल वाइल अगो। सो द विक्टिम विल हिट चिंतामणि वन मोर टाइम टू इक्वल द स्कोर। अब चिंतामणि को क्या बोला गया कि नहीं वापस तुम अब इसको आदमी को तुम मारो, लेकिन इससे भी राजा को संतुष्टि नहीं मिली। उसने बोला अगर पहले एक्सीडेंट में चिंतामणि ने जिस तरह से विक्टिम के फेस पर मारा था, जितना दर्द हुआ उसे, तो चिंतामणि को भी उतना ही होना चाहिए, इसलिए यह आदमी वापस से चिंतामणि को एक बार और मारेगा। द विक्टिम हिट चिंतामणि वन मोर टाइम बट फेल टू सेटिस्फाई किंग विक्रम हु थॉट प्योर जस्टिस हैड नॉट येट बीन डन। ही अगेन आस्क चिंतामणि टू हिट द विक्टिम इन जस्ट द राइट मेजर टू इक्वल द पेन ऑन बोथ साइड। अब उस आदमी ने एक बार और चिंतामणि के फेस पर मारा, लेकिन इस बार भी राजा को संतुष्टि नहीं मिली। उसने सोचा जो सही न्याय होना चाहिए वो अभी भी नहीं हुआ है। उसने वापस चिंतामणि को बोला कि तुम इस आदमी के चेहरे पर दोबारा मारो, जिससे कि उसको भी उतना ही वापस दोनों तरफ दर्द हो। नाउ चिंतामणि ऑलरेडी शेकन बाय टू हार्ड ब्लोज ऑन हिज फेस वॉज कन्फ्यूज। अब चिंतामणि जो जिसके कि दो चेहरे पर दो इतनी मजबूत थप्पड़ पड़ चुके थे, वह कन्फ्यूज हो गया। ही सेड टू हिमसेल्फ इन अ लो वॉइस वॉट काइंड ऑफ जस्टिस इज दिस, हाउ कैन वन डिटरमाइन वॉट इज इक्वल पेन, दिस इज टोटली आर्बिट्ररी एंड स्टूपिड। अब चिंतामणि ने अपने आप से धीमी आवाज में कहा कि ये किस तरह का न्याय है, कोई भी किसी के दर्द को कैसे माप सकता है, ये तो मूर्खता भरी बातें हैं। ई पोलाइटली टोल्ड द किंग आई डो नॉट विश टू हेट दिस पुअर मैन हु इज ऑलरेडी हर्ट, आई फॉरगिव हिम। उसने विनम्रता से राजा से कहा कि मैं इस आदमी को नहीं मारना चाहता, इसे पहले ही चोट लगी लग चुकी है, मैं इसे माफ़ करना चाहता हूँ। द विक्टिम वॉज मच रिलीव्ड बट एवरी वन एल्स इन द कोर्ट वॉज स्टन्ड एट वॉट चिंतामणि जस्ट अटर्ड। फॉरगिव, वॉट डज दैट मीन, वी हैव नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग लाइक दैट, वन कोर्टियर विस्पर्ड टू द अदर। अब उस आदमी को थोड़ी सी चैन की सांस मिली, लेकिन वो उस दरबार में जितने भी लोग थे सब यह उस शब्द को सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि फॉरगिव यानी माफ़ी, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या है, हमने इस तरह का शब्द कभी नहीं सुना। किंग विक्रम लुक्ड एट चिंतामणि इंटेंटली एंड स्माइल्ड। ही सेड एवरीवन ऑलवेज अप्रिशिएटेड द आइडिया ऑफ प्योर जस्टिस एंड प्रेस्ड मी फॉर इट बट आई वॉज नॉट हैप्पी। दे प्रेज द आइडिया बिकॉज एवरीवन थिंक्स रिवेंज एंड रिटर्न आर द ओनली ट्रू वेज ऑफ जस्टिस। दे एंजॉय द स्पेक्टेकल ऑफ टू पार्टीज हिटिंग ईच अदर टिल वन कॉलेप्स। रिवेंज एंड बिफिटिंग रिप्लाई आर इंडीड वेज ऑफ प्योर जस्टिस बस नॉट ऑफ कंप्लीट जस्टिस। अब राजा विक्रम ने चिंतामणि की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि मैं कि हर कोई मेरे इस सही न्याय के लिए मेरी बहुत तारीफ करता है, लेकिन मैं कभी भी इस बात से खुश नहीं हुआ। वे मेरे इस आइडिया से की तारीफ़ करते हैं क्योंकि हर कोई यह सोचता है कि बदला और उस जो हमें मिला है उसको हम वापस करें, यही सही न्याय है। और हर कोई इस चीज़ को का आनंद भी उठाता है कि जब तक दोनों पार्टीज़ आपस में लड़कर उनमें से एक का नुकसान नहीं हो जाता, बदला और बदला लेना ही सही न्याय नहीं है। नो जस्टिस कैन बी कम्प्लीट विदाउट द एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस। माफ़ी के बिना तो कोई न्याय हो ही नहीं सकता। माई डियर मैन, टूडे यू हैव डन वॉट आई हैड फॉर लॉन्ग वॉन्टेड सम वन टू डू। प्रिय, तुमने आज ऐसी बात कह दी जिसे मैं काफ़ी समय से सुनना चाहता था। एंड यू इंट्रोड्यूस माई किंगडम टू डू, और तुमने इस शब्द से मेरे इस राज्य को भी इंट्रोड्यूस करा दिया, यानी इसको भी इनको भी जानकारी दिला दी। टूडे माई कंट्री इज ट्रूली न्यायपुर द लैंड ऑफ जस्टिस। आज वाकई में मेरा देश जो है सही रूप में न्यायपुर हो गया,
यानी कि न्याय का, न्याय की भूमि। एवरीवन इन द कोर्ट रूम रोज इन ऑनर ऑफ चिंतामणि। उस दरबार में हर एक ने चिंतामणि के सम्मान में सब जने खड़े हो गए। तो बच्चों, इस चैप्टर से आपने क्या सीखा कि बदला लेना किसी बात का हल नहीं है। ये आप अपनी लाइफ में भी डेली रूटीन में भी देखते होंगे कि अगर आपको कोई अपशब्द बोलता है, कोई मारता है, और उसके बदले में आप भी उसे अपशब्द बोलते हो या मारते हो, तो उसका हल क्या निकलता है, उसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है कि दोनों के बीच में तनाव हो जाता है, दोनों की आपस में फ्रेंडशिप या बातचीत टूट जाती है और झगड़ा बढ़ जाता है, दोनों को ही चोटें लगती है। लेकिन अगर एक ने मारा, दूसरे ने माफ़ कर दिया, तो अपने आप ही उसको पश्चाताप होगा और वो झगड़ा वहीं ख़त्म हो जाएगा। ना हमारे मन में उसके लिए कोई गलत फहमी रहेगी और ना ही हमारे शरीर को कोई नुकसान पहुंचेगा। तो माफ़ी ही सबसे बड़ा धन है। ओके, थैंक यू।